नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ इस कहानी में बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपने विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, विक्रमादित्य का सारा समय अपनी प्रजा का दुख दूर करने में ही बीतता था। राजा कभी भी अपनी प्रजा के दुख को अनदेखा नहीं किया करते थे। दोस्तों, प्रजा की सभी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसलिए वे राजा भेष बदल करके अपने राज्य में घूमा करते थे। अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में, कभी इस हिस्से में, कभी उस हिस्से में भेष बदल करके घूमा करते थे। राजा की ऐसी आदत के बारे में चोर डाकुओं को भी पता था कि राजा भेष बदल कर रात्रि में घूमा करते हैं, इसलिए डाकुओं ने भी अत्याचार करना कम कर दिया था। राजा की इसी वजह से अपराध बहुत कम हो चुका था, लेकिन राजा चाहते थे कि उनके राज्य से अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे लोग निर्भय होकर के इधर उधर की यात्राएं कर सकें और चैन की नींद सो सकें। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य भेष बदल कर अपने राज्य के किसी हिस्से में घूम रहे थे। तभी राजा को एक महल के ऊपर से एक कमंद लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। राजा ने सोचा कि जरूर इस कमंद के सहारे कोई चोर इस मकान पर चढ़कर ऊपर गया होगा। राजा भी उस कमंद को पकड़ करके उस महल के ऊपर चढ़ गए। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, जिससे कि अगर मुकाबला हो तो चोर को मौत के घाट उतार दे। तभी उनके कानों में एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई पड़ी। राजा सोचने लगे कि शायद चोर कोई स्त्री है, इसलिए वे कमरे के दरवाजे से सट करके खड़े हो गए। वो स्त्री बगल वाले कमरे में जाकर किसी से कह रही थी और किसी का वध करने के लिए कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ संबंध रखना उसके लिए असंभव है। तभी राजा को एक पुरुष की आवाज आई, जो कह रहा था कि मैं लुटेरा जरूर हूं, लेकिन निरपराध मनुष्य की जान मैं नहीं ले सकता। वह व्यक्ति उस स्त्री से कह रहा था कि मेरे साथ कहीं अन्य स्थान पर चलो, और वह उस स्त्री को विश्वास दिलाना चाह रहा था कि उसके पास काफी धन है, उसके पास इतना धन है कि वो बची हुई जिंदगी अपनी दोनों बड़े आराम से व्यतीत कर सकते हैं। अंत में वह स्त्री उससे दूसरे दिन आने के लिए कह रही थी, क्योंकि उस स्त्री को धन इकट्ठा करने में कम से कम 24 घंटे का समय चाहिए था। राजा समझ गए कि यह पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है और यह स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह इतना बड़ा मकान है। सेठ अपने बगल वाले कमरे में सो रहा है और उसकी पत्नी उसी का वध करने के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही है। राजा उस रस्सी को पकड़कर नीचे आ गए और उसके प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसका प्रेमी कमंद पकड़ करके नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और उसे बता दिया कि स्वयं विक्रमादित्य उसके सामने खड़े हैं। तो भय प्रेमी भय के मारे थर थर कांपने लगा और मृत्यु दंड के मारे उसकी घिग्गी बंद गई। राजा ने उससे कहा, अगर तू सच बताएगा तो तुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो उस प्रेमी ने अपनी कहानी बताई। प्रेमी कहने लगा, महाराज, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता हूँ और उसके साथ विवाह करना चाहता था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था, क्योंकि मेरे पिता भी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सपने सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा हुआ जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। जहाज को लूट जाने की खबर सुनकर मेरे पिताजी को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए और मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने के लिए घर से निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद जब मुझे उन डाकुओं का पता चला तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनका विश्वास जीता और उनका विश्वास जीतकर उनके दल में शामिल हो गया। महाराज, जैसे ही मुझे मौका मिलता था मैं एक को मार देता था। ऐसे ही एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया
और उन डाकुओं ने लूट कर जितना धन एकत्रित किया था वो सारा धन लेकर के मैं अपने घर चला आया। महाराज, तब घर आकर के मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका का विवाह किसी धनवान सेठ से हो गया है और वह अपने पति के साथ चली गई है। मेरे सारे सपने टूट करके बिखर गए। महाराज, एक दिन मुझे उसके मायके आने की खबर मिली थी तो मैं खुश हो गया और वह भी मुझसे आकर मिलने लगी और मैंने अपनी सारी समस्या के बारे में उसे बता दिया। जब एक दिन वह मुझे मिली तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना सारा धन है, इसे तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लखा हार इसके गले में डाल दूंगा। जब मैं एक दिन 9 लखा हार लेकर के गया तब तक वो अपने पति के पास चली गई। मैंने 9 लखा हार ले जाकर उसके पति के घर पर ही पहना दिया और उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मेरे से कहा था, मगर मैंने उसका कहना नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या करना मैं एक अपराध समझता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने उसे सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्रीय डाकुओं का सफाया करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और राजा ने उसे त्रिय चरित्र के बारे में समझाया कि सच्ची स्त्री कभी धन के लिए प्यार नहीं करती है और जो चरित्रहीन स्त्री होती है वो केवल धन के लिए ही प्यार करती है। और राजा ने ये भी समझाया कि सच्ची प्रेमिकाएं केवल अपने प्रेमी से ही प्रेम करती हैं, उसके धन से नहीं। और राजा ने यह भी समझाया कि अगर तेरी प्रेमिका सच्ची होती तो तेरा इंतजार किए बगैर वो शादी नहीं कर लेती। 9 लखा हार प्राप्त करने के बाद भी तेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुई और अपने निरअपराध पति को मरवाने के लिए तुझे उकसा रही है। ऐसी स्त्री से प्रेम करना तेरे लिए मूर्खता की बात है। ऐसी निष्ठुर और निर्दयी स्त्री का प्रेम विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, वह प्रेमी रोता हुआ उस राजा के चरणों में गिर गया और अपना अपराध क्षमा करने के लिए राजा से प्रार्थना करने लगा। राजा ने भी उसे मृत्यु दंड के बदले उसकी वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थीं और उसे सब कुछ समझ में आ गया था। दूसरे दिन स्वयं राजा उस प्रेमी का भेष बना करके उस कमंद के सहारे चढ़कर उस स्त्री के पास गए। तब उस स्त्री ने राजा को अपना प्रेमी समझते हुए सोने आभूषणों से भरी हुई थैली राजा विक्रमादित्य को पकड़ा दी और बोली, चलो यहां से भाग चलते हैं, मैंने अपने पति को विष दे करके मार दिया है। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उस स्त्री को शक हुआ और राजा के नकली भेष को नोच डाला। किसी अन्य पुरुष को पाकर के वह चोर चोर चिल्लाने लगी और राजा को अपने पति का हत्यारा बता करके बड़ी जोर जोर से बिलाप करने लगी। राजा के सिपाही और उनके कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। सैनिक लोग दौड़ करके आए और राजा के आदेश पर उस चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल कर आया कोई और नहीं, स्वयं राजा विक्रमादित्य है। दोस्तों, पति को अपनी पत्नी पर जरूर नजर बनाए रखना चाहिए। हर पुरुष को अपनी स्त्री के इन कामों पर नजर बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष कभी भी धोखा नहीं खाता है। स्त्री की सबसे पहली चीज उसका चरित्र होता है। यदि किसी पुरुष की स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं है तो उसे समझाना चाहिए और उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की शर्म नहीं करना चाहिए। और स्त्री की दूसरी चीज होती है कि कहीं उसके मन में अधिक लोभ तो नहीं बढ़ गया है। मित्रों, लोभ तो सभी समस्याओं का मूल है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर उसके मन में लोभ की भावना आ गई तो वह उसकी पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की शर्म नहीं करना चाहिए और उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरी चीज है कि हर पुरुष को अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय देना चाहिए। यदि आपस में थोड़े बहुत मन मुटाव होते भी हैं तो उन्हें दूर करने के लिए ऐसी स्थिति में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया स्त्री और पुरुष ही हैं। किसी एक के कमजोर होने पर गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती है। प्रिय दर्शकों, जो इंसान इन तीनों चीजों पर विशेष ध्यान रखता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता।
और उसके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, परिवार में कलह दरिद्रता को जन्म देती है। अगर परिवार में प्रेम बना है तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।